नमस्कार, मैं नेहा साहिन, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश भर में सोमवारी और रक्षाबंधन पर्व की धूम। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए तीन स्तरीय जांच शुरू। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बेहटा एयरपोर्ट। खलील अहमद ने एमएस धोनी को बड़ा भाई और गुरु बताया। देश भर में सोमवारी और रक्षाबंधन पर्व की धूम। देश भर में सोमवारी और रक्षाबंधन पर्व की धूम है। रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वही सावन के अंतिम सोमवार पर भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में देखी जा रही है। भाई बहन के अटूट रिश्ते और प्रेम के उत्सव रक्षाबंधन पर बहनें भाई के माथे पर टीका और हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी मंगल कामना कर रही है, तो बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन दे रहे हैं। बता दें कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से शुरू है और आज रात 9:07 तक रहेगा। तो बहने आज रात अपने भाइयों को 9:07 तक राखी बांध सकेंगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा बेहटा एयरपोर्ट। बेहटा में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में आधुनिक सुविधाएं होंगी। सीएम नीतीश कुमार ने स्थल निरीक्षण करने के बाद कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इस एयरपोर्ट का निर्माण काम जल्द शुरू हो ताकि लोगों को हवाई यात्रा में और सहूलियत हो। इससे विभिन्न जगहों से लोगों को विमान से आने जाने के लिए सुविधा मिलेगी और पटना एयरपोर्ट पर पड़ने वाला भार भी कम हो जाएगा, साथ ही रोजगार और कारोबार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो अब राजधानी पटना का बेहटा एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाला है। स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए तीन स्तरीय जांच शुरू। बिहार में 38 जिलों के स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए तीन स्तरीय जांच की जा रही है। इस जांच में स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति, मिड डे मील, पढ़ाई और नियमित स्कूल खुलने की स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। जांच के बाद हर स्तर पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो मुख्यालय भेजी जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी और उन पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। अच्छी रैंकिंग वाले स्कूलों के शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि खराब रैंकिंग वाले स्कूलों पर विभाग की ओर से लगातार निगरानी रखी जाएगी। वही जांच के लिए अनुश्रवण कुसांग गठित की गई है। यदि रिपोर्टों में कोई भिन्नता पाई जाती है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गंगा नदी के जलस्तर में आई कमी। पिछले कुछ दिनों से रौद्र रूप दिखा रही गंगा नदी के जलस्तर में लगातार कमी देखी जा रही है। पटना जिले में अब केवल 2 स्थानों पर ही गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल से ऊपर है। गांधी घाट पर पानी डेंजर लेवल से 12 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, वही हाथी दह में यह 35 सेंटीमीटर ऊपर है। अन्य कई जगहों पर पानी अब घाट से नीचे चला गया है। इसके अलावा पुनपुन और सोन नदियों में भी पानी की कमी देखी जा रही है और दियारा क्षेत्रों में भी पानी घटता जा रहा है। वही गंडक और बागमती नदियां अभी भी तांडव मचा रही हैं और लगातार बाढ़ का संकट बना हुआ है। रेलवे अस्पताल में आग लगी। पटना में स्थित करबिघिया के रेलवे अस्पताल में आग लग गई। आगलगी के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वही फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आगलगी में जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बता दें कि अस्पताल में करीब 150 मरीज भर्ती थे, सभी सुरक्षित हैं। रक्षाबंधन पर सीएम ने पेड़ को बांधी राखी। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के इको पार्क पहुंचे, जहां सीएम ने पीपल के पेड़ को राखी बांधी। सीएम नीतीश कुमार हर साल की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के दिन पेड़ को रक्षा सूत्र बांधते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। वहीं सीएम ने रक्षाबंधन के दिन प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। राखी के मौके पर आज पटना में चलने वाली सिटी सर्विस बस यानी सभी सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त में सफर कर सकेंगी। वहीं परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पटना में BSRTC की 135 सिटी सर्विस बसें चलती हैं। इनमें 25 इलेक्ट्रिक बसें हैं और बाकी CNG बसें हैं। रक्षाबंधन के दिन इन सभी बसों में महिलाएं और छात्राएं मुफ्त सफर कर सकेंगी। अगर कोई पैसा मांगता है तो तुरंत विभाग को शिकायत करें। इस तोहफे से महिलाओं में खुशी का माहौल देखा गया। हेल्थ सिस्टम पटरी पर लौटा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म हत्या मामले के विरोध में चल रहा डॉक्टरों का हड़ताल समाप्त हो गया।
पटना समेत बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में आज से सभी ओपीडी और अन्य सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। इस दौरान रेजिडेंट्स डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। ये डॉक्टर्स ओपीडी या अन्य सेवाओं को बाधित नहीं करेंगे। बता दें कि बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के विस्तारित कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सभी डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर इलाज करेंगे। यदि 25 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे राज्य के सभी अस्पतालों में इलाज काम बंद करा देंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये जानकारी भाषा के अध्यक्ष डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने दी है। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। सहकारिता विभाग ने ऑर्गेनिक सब्जी की बिक्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। बता दें कि सहकारिता विभाग सचिवालय और अन्य 15 इलाकों में सब्जी बूथ खोलने की योजना बना रही है। पहले चरण में ट्रायल के तौर पर राजधानी पटना सहित प्रमुख शहरों में 15 बूथ खोले जाएंगे। इन दुकानों में बिक्री बढ़ने पर सब्जी बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सहकारी संघों के जरिए सब्जी बूथों पर सब्जी उपलब्ध कराई जाएगी। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सचिवालय और अन्य 15 इलाकों में सब्जी बूथ खोलने की योजना है। जल्द ही इस संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। 6 जिलों की 29 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। राज्य के 6 जिलों की 29 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इन जिलों की पंचायतों में एक साल में 1000 की जनसंख्या पर 30 लोगों की टीबी बीमारी की जाँच की गयी। बता दें कि इस अभियान के तहत राज्य के 6 जिले मुंगेर, बक्सर, सिवार, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और खगड़िया पंचायत को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। बता दें कि इन जिलों की पंचायत की उपलब्धि को देखकर राज्य के अन्य जिलों की पंचायतों में भी टीबी मुक्त पंचायत बनाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। बता दें कि आगामी एक वर्ष में राज्य की 114 प्रखंडों की पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। 150 जवान बीमार, एसडीएम बोले ये फूड प्वाइजनिंग। बिहार के सुपौल में खाना खाने के बाद बीमार हुए सैप के 150 जवानों का इलाज चल रहा है, जहां अस्पताल में भर्ती जवानों का हालचाल भीमनगर थानाध्यक्ष दीपक कुमार और बीरपुर एसडीएम नीरज कुमार ने लिया। इस दौरान एक जवान मुकेश कुमार ने बताया कि लगातार ट्रेनिंग के दौरान खराब खाना मिल रहा था। इस खाने का लगातार जवानों द्वारा विरोध भी किया जा रहा था। वही इस संबंध में एसडीएम नीरज कुमार ने कहा कि फूड प्वाइजनिंग का मामला है, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। मौके पर बीरपुर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार भी पहुंचे हैं, जो मामले की जानकारी लेने में जुटे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, 15 जालसाज धराए। सिपाही बहाली परीक्षा के तीसरे चरण में गड़बड़ी के आरोप में पुलिस ने कुल 9 अभ्यर्थियों सहित 15 जालसाजों को पकड़ा है। बता दें कि बिहार के गोपालगंज में परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से 50,000 से 1,00,000 रुपए की ठगी करने के मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को पकड़ा है। इनमें नगर थाना क्षेत्र के हरकुआ वार्ड नंबर 24 निवासी व बिजली कंपनी का ऑपरेटर रंजीत कुमार सिंह, बाल सुरक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र पासवान, अभिषेक कुमार, दीपक कुमार सहित 2 अन्य शामिल हैं। पुलिस ने इनसे 35 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, कुछ सर्टिफिकेट और मोबाइल भी जब्त किए हैं। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी पुष्टि की है। संपत्ति कर के दायरे में नहीं आने वाले फ्लैटों पर लगेगा 100% दंड। होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले फ्लैट मालिकों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। बता दें कि नगर निगम संपत्ति कर के दायरे में नहीं आने वाले फ्लैटों पर 100% दंड लगाने जा रहा है। इसके लिए निगम के 9 वार्डों में अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रत्येक वार्ड के लिए 10 टीम बनाई गई है। बता दें कि पटना नगर निगम के पोर्टल पर संधारित आंकड़े के अनुसार निगम क्षेत्र में 4,011 अपार्टमेंट हैं। इनमें फ्लैटों की संख्या जो है 76,682 है। केवल 9 वार्डों में ही अपार्टमेंट की संख्या 2,296 है। इनमें 39,659 फ्लैट हैं। निगम ने यह निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में 9 वार्डों में अभियान चलाया जाएगा। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की 52% सीटें खाली। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस साल सीटों की भर्ती को लेकर एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है। राज्य के 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 13,675 सीटों पर एडमिशन का लक्ष्य था, लेकिन केवल 6,507 सीटों पर ही एडमिशन हो पाया है। बीएसईबी ने अब खाली सीटों को भरने के लिए नई रणनीति बनाई है। सेकेंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड का आयोजन नहीं होगा। इसके बजाय पीसीएम ग्रुप के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया 23 अगस्त तक चलेगी। पहले राउंड का प्रोविजनल सीट आवंटन 28 अगस्त को जारी किया जाएगा और एडमिशन प्रक्रिया 29 से 31 अगस्त तक चलेगी। वही सेकेंड राउंड का प्रोविजनल सीट आवंटन 5 सितंबर को होगा और एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 से 8 सितंबर तक होगा।
क्या राजनीति में एंट्री करने वाले हैं खान सर? बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीति के नए परिदृश्य में एक नई पार्टी का उदय हो रहा है, जनसुराज। जनसुराज नाम की इस नई पार्टी के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी नई पहल से चर्चा में है। उन्होंने ये घोषणा की है कि उनकी पार्टी सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस नई पार्टी को लेकर लोगों के बीच चर्चा का माहौल गर्म है। इन चर्चाओं के बीच एक नया नाम सामने आया है, खान सर। अपने हालिया वीडियो बयान में खान सर ने प्रशांत किशोर और उनकी राजनीतिक प्रयासों की जमकर तारीफ की है। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे राजनीति में शामिल होने की बात नहीं की, लेकिन उनके शब्दों से ये स्पष्ट हो गया है कि वे प्रशांत किशोर के विचारों और उनसे प्रभावित हैं। खलील अहमद ने MS धोनी को बड़ा भाई और गुरु बताया। भारतीय टीम के युवा पेसर खलील अहमद ने IPL 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से शानदार प्रदर्शन किया और अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। इस प्रदर्शन के चलते उन्हें T20 वर्ल्ड कप 2024 के रिजर्व खिलाड़ियों में जगह मिली। हालांकि इस टूर्नामेंट के दौरान उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्हें जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। देश लौटने के बाद खलील अहमद ने आकाश चोपड़ा से बातचीत में यह खुलासा किया है कि MS धोनी उनकी जिंदगी में एक बड़े भाई और गुरु की तरह है। खलील अहमद ने यह भी कहा कि माही भाई ने न केवल उनके क्रिकेट करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनकी यादों में भी खास स्थान रखते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सादुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, अजीत कुमार, हीरा लाल, सविता कुमारी, रवि कुमार राम, नंद कुमार सिंह, राकेश कुमार, राजकिशोर महतो, राकेश कुमार, रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, रक्षाबंधन पर आपने अपनी बहनों को क्या गिफ्ट दिया? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।